20 मीटर की ऊंचे सुधा पर पहाड़ पर है चामुंडा माता जी का एक प्रसिद्ध मंदिर, जिसे सुंधा माता के नाम से जाना जाता है। जालौर जिले के सुंधा पर्वत की रमणीक व सुरम्य घाटी में सांगी नदी से लगभग 40 से 50 फीट ऊंची एक प्राचीन सुरंग से जुड़ी गुफा में अगटेश्वरी चामुंडा का यह पुनित धाम युगो युगो से सुशोभित माना जाता है। जिला मुख्यालय से लगभग 105 किलोमीटर दूर पसेरे गांव के नजदीक मंदिर की विख्याति दूर दूर तक फैली है। लोग इसे राजस्थान का वैष्णो मंदिर कहते हैं। नवरात्रों में यहां पर गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर मार्ग और यहां का वातावरण अत्यंत ही मोहक और आकर्षक है, जिसे वर्ष भर चलते रहने वाले फव्वारे और भी सुंदर बनाते हैं। मंदिर का निर्माण भी संगमरमर के पत्थरों की नक्कीस दलवाड़ा के जैन मंदिर की याद तरोताजा करता है। यहाँ एक बड़े प्रखर स्तन पर बनी माता चामुंडा की सुंदर प्रतिमा अत्यंत दर्शनीय है और चमत्कारिक मानी जाती है। यहाँ पर माता के सिर की पूजा की जाती है। यहाँ कहा जाता है कि चामुंडा जी का धड़ कोटड़ा में तथा चरण सुंदरला पाल में पूजित करते हैं। सुंदर माता को अगटेश्वरी कहा जाता है, जिसका अभिप्राय है वह घट रहित देवी, जिसका केवल सिर ही पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भी शक्ति पीठ के तौर पर ही पूजी जाती है। माता के मंदिर के सामने एक शिव मंदिर भी है, जिसे भूरेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। सुंदर माता पर्वत पर विराजमान माता रानी और शिव की महिमा अपरंपार है। यहाँ पूरे वर्ष पर्यटक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। ये इस इलाके का एक पर्यटन स्थल भी माना जाता है। नवरात्रि मेले के हिसाब से श्री चामुंडा माता कृष्ण पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर नवरात्रि मेला जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे इलाकों में दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और रोशनियों से सजाया गया पूरे मंदिर को और हवन वगैरह की जो सातवीं का हवन होता है उसकी भी पूर्ण रूप से तैयारी की गई है ट्रस्ट की तरफ से और टेंटों की पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब जो पूर्ण ट्रस्ट करती है। हर साल आते हैं और हमारी माँ मनोकामना हमेशा पूरी पूर्ण करती है। तो विशेष तौर से हम माँ चामुंडा के दरबार में नवरात्रि के